Hello student, today we start the second part of chapter English Reader and chapter topic is 3 questions और इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो राजा था उसने 3 questions जो कि उसके माइंड में पजल या फिर उसको परेशान कर रहे थे उस परेशानी को दूर करने के लिए या बोल सकते हैं उन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए राजा ने एक जो विद्वान जो थे जितने भी विद्वान थे उसके आस पड़ोस में या हो सकता है उसके नेबरिंग जितने भी किंगडम्स थे उन लोगों को बुलाया और बुला के और उनसे क्वेश्चन पुट अप किए जिसके सब ने अलग अलग आंसर दिए थे और उसमें से कुछ एक ने अलग जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आंसर दिया था वो आंसर किया था कि उसने बोला कि एक सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एक प्लान बनाना पड़ेगा एक हमें एडवांस प्लान बनाना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे हम लोग आगे काम करेंगे वो भी स्ट्रिक्टली बेसिस पे उसके बाद में क्या हुआ या उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अनदर स्कॉलर डिक्लेयर इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड टू राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस इफ यू अवॉइड गेटिंग एब्जॉर्ब इन द आइडल पास्ट टाइम एंड अटेंड टू ऑल दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। मतलब फर्स्ट जो स्कॉलर था फिर सेकंड आया थर्ड स्कॉलर था फर्स्ट स्कॉलर मतलब विद्वान होता है आपको पता है अच्छे से और नहीं पता तो स्कॉलर नहीं होता विद्वान या बोल सकते हैं जो बुद्धि जीव होते हैं या जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं स्कॉलर्स में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें फिर उसके बाद क्या बोला गया कि दूसरा जो स्कॉलर्स ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है क्या कि डिसाइड द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन कि सही टाइम डिसाइड करना हर एक्शन के लिए मतलब किस टाइम पे कौन सा एक्शन है किस टाइम पे कौन सा काम होना चाहिए ये सारा डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है या फिर हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे स्कॉलर या दूसरे विद्वान ने इसको रिफ्यूज कर दिया बोल सकते इसका विरोध किया। इफ यू अवॉइड द गेटिंग एब्जॉर्ब इन द आइडल पासिंग अगर आप लोग एब्जॉर्ब करोगे कब एब्जॉर्ब मतलब किस चीज़ को नापना या बोल सकते हैं हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या इकट्ठा करना। तो क्या इसने बोला कि जब हम लोग फ्री बैठे रहते हैं या एट अ टाइम जब हम लोग एकदम रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर अगर हम लोग उस चीज़ के बारे में एब्जॉर्ब करें कि अटेंड टू ऑल द दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू मतलब जो भी आपके आसपास जो चीज़ हो रही है या जो आपके आसपास जो भी फैक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में हम एब्जॉर्व करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा यू कैन मैनेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो आप लोग क्या कर पाओगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है बहुत जरूरी जो टास्क है मतलब जरूरी काम जो है वो आप उसको मैनेज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हमारे मॉर्निंग से लेके नाइट तक कुछ काम करते हैं या फिर बोलते हैं हमारा जो रूटीन होता है पूरा डे रूटीन जिसको बोल सकते हैं हम लोग उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि वो हमारा डेली रूटीन है इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको मैनेज कर रखा है क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट डे भी वही होना है वो पास्ट जो गया उसमें भी वही हुआ था तो इसमें से उसको मैनेज कर सकते हैं एक तरह से प्लान के बेस पे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड उसके बाद बोला कि द थर्ड स्कॉलर सैड हाउएवर दैट अटेंटिव की माइट बी टू व्हाट इज गोइंग ऑन इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली। उसके बाद में थर्ड स्कॉलर तीसरा जो विद्वान था उसने बोला या बोल सकते हैं तीसरे विद्वान की जो बोल सकते हैं लैंग्वेज थी उसने उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि ये कैसे पॉसिबल होगा या किंग कैसे एक ऐसी चीज़ को जान पाएगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है या बोल सकते हैं उसके क्या होने वाला है मतलब कि व्हाट्स गोइंग ऑन कि मतलब क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड टू करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल जो व्यक्ति है मतलब एक असाधारण व्यक्ति जान सके कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है और क्या क्या चीज़ें चल रही है। देन नेक्स्ट क्या आई थिंक दैट द किंग शुड सेट अप अ काउंसलिंग ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम फॉर फिक्स प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। तो उसके जो थर्ड स्कूल था उसने क्या सजेशन दिया क्या हमें क्या करना पड़ेगा राजा को एक काउंसलिंग बैठानी पड़ेगी काउंसलिंग आप बोल सकते हैं अरेंज करनी पड़ेगी। काउंसलिंग मतलब समिति होती है मतलब जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया जाए या फिर पर्टिकुलर कोई ऐसा ग्रुप जो कि किसी वर्क या एक्शन के लिए बनाया जाए उसे हम लोग बोल सकते हैं काउंसलिंग जिसमें हम लोग अलग अलग मेम्बर्स इंक्लूड कर सकते हैं या बोल सकते हैं उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि काउंसलिंग बनाई जाएगी किसकी वाइज मैन की मतलब जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन है या बोल सकते हैं जितने भी चतुर या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है मोस्टली हम लोग लेके चले तो वाइज से हम लोग क्या लेंगे इंटेलिजेंट पर्सन जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन है या मैन है उनकी क्या बनाएगी काउंसलिंग बनानी पड़ेगी और वही राजा की हेल्प कर पाएगा कोई प्रॉपर टाइम पे कैसे काम करेगा या प्रॉपर टाइम पे कैसे उसे काम किया जाएगा ये राजा के लिए बोला गया। उसके बाद सम स्कॉलर्स मतलब कुछ जो विद्वान थे उसमें से उन्होंने क्या किया उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया यहाँ पे दे रखा है इसका मीन्स होता है रिफ्यूज़ करना मतलब वो विरोध करना या उसके बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट होना। तो सम स्कॉलर्स उसमें कुछ स्कॉलर्स ने क्या कहा क्या और तो इसमें से कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया बोल सकते हैं उससे इनकार कर दिया या मना कर दिया कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो कि
फर्स्ट स्कॉलर और थर्ड स्कॉलर या सेकंड स्कॉलर ने कहा था, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, और उन्होंने रिफ्यूज किया कि उसके पीछे कारण क्या था, उसने उन्होंने मना क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या बोला, सम थिंग्स माइट डिमांड इमीडिएट एक्शंस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें इमीडिएटली या पूछे थे तुरंत एक्शन लेना पड़ता है या तुरंत उस पर काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, अगर ऑन द वे जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं या फिर बोलते रोड पे जा रहे हैं तो सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो इसमें से हमारे को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, हम लोग उस टाइम प्लान बनाने में या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर हम लोग एक मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम को कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए तो क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं या कुछ ऐसी इंसिडेंट होता है या बोलते टाइम होता है जिस टाइम पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, तो कुछ स्कॉलर ने ये बोलते हुए मना कर दिया उस चीज़ को। देन ऑफकोर्स फॉर दिस वी नीड टू नो वाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इसलिए हमारे को जानना जरूरी हो जाएगा या जानना जरूरी होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर में कौन सी इंसिडेंट होने वाली है, ये जानना जरूरी होगा। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, सिंपल से थिंक, कोई नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग की बात करें, इंसान की बात करें या किसी की भी बात करें, पर्सन मेल फीमेल डजंट मैटर कौन है, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें फ्यूचर के बारे में पता हो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो उसने क्या बोला कि जो काउंसलिंग के अंदर या बोल सकते हैं जो स्कॉलर्स थे उनमें से बोला कि ये सिर्फ कौन कर सकता है, मैजिशियन आई थिंक मे भी सब लोगों को पता ही होगा, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर। तो उन्होंने क्या बोला कि ये एक पॉसिबल पाएगा कि ये कोई मैजिशियन हो तो ही कर सकता है और वही बता सकता है राजा को क्या, व्हाट इज गोइंग हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होगा। देयरफॉर वन मस्ट कंसल्ट देम, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा या उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। कंसल्ट करना मतलब सलाह मशवरा करना या वो सकती तरह से डिस्कशन करना, तो ये सारी चीज़ें से कंसल्ट करनी पड़ेगी। इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, बाकी लोगों ने भी क्या किया, सेकेंड जो क्वेश्चन था सब लोगों ने क्या हुआ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिया था सब लोगों ने, तो सेकेंड क्वेश्चन का भी सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया, मतलब ऑल ओवर लेके चले तो सबका ओपिनियन जो था क्वेश्चन वाइज जो था अलग अलग था, या बोल सकते हैं सबका जो आंसर जो था सबका अलग अलग था सेकेंड क्वेश्चन का। Some said, कुछ ने क्या कहा, द किंग नीड हिज काउंसलर्स द मोस्ट, सम सैड डॉक्टर्स, सम सैड प्रीस्ट्स, वाइल अदर सैड सोल्जर्स, मतलब उसमें से कुछ ने क्या कहा कि या तो राजा क्या करे, काउंसलर जितने भी हैं, काउंसलर मतलब समिति के जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछे, या फिर आदमी क्या करे उसमें से कुछ जो है उसने क्या कहा कि डॉक्टर से पूछे, कुछ किसने क्या कहा जो साधु है मतलब साधु सॉरी पुजारी जो है, जो पुजारी होता है जिसको हम लोग प्रीस्ट बोलते हैं उससे पूछे, या फिर आदमी को कुछ ने क्या आंसर दिया कि उनमें से क्या सोल्जर से पूछे, मतलब ऑल ओवर हम लोग बात करें तो एक अलग अलग सबका ओपिनियन था कि किसने क्या कहा या फिर बोल सकते हैं किसने किस पे फोकस किया, तो सबका अलग अलग था कि कोई बोल रहा है कि डॉक्टर से पूछो, कोई बोल रहा है कि पुजारी से पूछो, कोई बोल रहा है सोल्जर से पूछो, सेकेंड मतलब किसका जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर, लेकिन सबका क्वेश्चन के आंसर क्या था सबका डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट जो बोला गया उसमें वो क्या था कि द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर इवन मोर कन्फ्यूजिंग, क्योंकि तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, थ्री क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग था, फिर उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड्स का भी अलग अलग था, मतलब जितने भी विद्वान आए स्कॉलर्स आए सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, अपना हो सकता है विचार बताए और सबका अलग अलग आंसर थे। तो वैसे ही थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर क्या था सबका अलग था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का ज़्यादा कन्फ्यूजन था राजा को आंसर किया, क्या बोल सकते हैं जो थर्ड जो क्वेश्चन था उसका जो कन्फ्यूजन जो था राजा को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा था, या काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। अब उसके बेसिस पर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट जो चीज़ देखी गई, क्या वो, थैंक यू स्टूडेंट्स।